विदिशा नागपंचमी नाग पूजन आज। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है। धर्मगुरु धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री ने बताया कि श्रावण शुक्ल नाग पंचमी 21 अगस्त सोमवार को श्रद्धा भक्ति के साथ नाग देवता की पूजन करके दुग्ध पान कराया जाएगा। श्रावण सोमवार चित्रा नक्षत्र के शुभ योग में नाग पूजन श्रेयस्कर होवे। विजया मंदिर में सायंकाल बच्चों को लगेगा मेला। रायसेन द्वार के पास प्राचीन नाग मंदिर में दर्शनार्थियों द्वारा पूजन करके प्रसाद चढ़ाया जाएगा। किला अंदर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास एवं महल घाट मार्ग पर पीतिया जी के उद्यान में अत्यंत प्राचीन नाग देवता की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। इन मंदिरों में श्रद्धालु भक्तों द्वारा पूजन आरती की जाएगी। अनंतम वासुकी शेषपद नागचकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम। ये 9 प्रधान नाग माने जाते हैं। नमामि देवी नर्मदे एवं अस्तिक मुनि का स्मरण करने से सर्प का भय नहीं होता है। नाग पंचमी का महत्व। आस्तिक मुनि ने कहा है कि नाग पंचमी को जन्मेजय का नाग यज्ञ पूर्ण हुआ है, अतः नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु भक्तों द्वारा नागराज महादेव दिव्य रूपायते नमः भूत भावन भगवान श्री शंकर जी के आभूषण एवं यज्ञोपवित स्वरूप तथा भगवान श्री विष्णु जी की शेषशायी स्वरूप अनंत फनों पर पृथ्वी के भार को धारण करने वाले शेष नाग भगवान के दर्शन एवं पूजन करने से वर्ष पर्यंत नागराज भगवान संपूर्ण परिवार की रक्षा करते हैं। सर्पाप्सर भद्रं ते दूर गच्छ महाविषम जन्मेजय यज्ञान्ते आस्तिक्यं वचन स्मर नमामि देवी नर्मदे त्रहिमां विषसर्पत। माँ नर्मदा जी का स्मरण करके आस्तिक मुनि का नाम लेने से सर्प का भय नहीं होता है। तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री के पितामह पंडित उमाशंकर चतुर्वेदी शास्त्री द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व किया गया सर्प विषहर संजीवनी का प्रकाशन। सर्प विषहर संजीवनी ग्रंथ में नव नाग स्त्रोत्र सर्प विष निवारण आस्तिक मुनि का मंत्र एवं माँ नर्मदा जी स्मरण मंत्र सर्प भय दूर करने के प्रयोग उपाय समुद्र मंथन की कथा जिसमें विष उत्पन्न हुआ वैदिक सर्प स्त्रोत्र पौराणिक सर्प स्त्रोत्र वैदिक गरुड़ उपनिषद महाविद्या सर्प विषहरण मंत्र प्रयोग विधि। अस्तिकम मुनिराजम च नमस्कृत्य पुनः पुनः स्वप्ने विष भयम नास्ति तथा सर्प निवारण स्वप्न आदि में सर्प भय दूर करने के ज्योतिष शास्त्र के प्रयोग आयुर्वेद के अनेक औषधियों की जानकारी जिसमें विषैले जीवों से प्राणी मात्र की रक्षा के उपाय इस शताब्दी प्राचीन ग्रंथ में प्रकाशित किए गए हैं। यह अपने आप में एक दुर्लभ ग्रंथ है। संवाददाता डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी शास्त्री की रिपोर्ट।